दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कल जो बिल पास किया है वो बेसिकली ये दिखाता है कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, उनके काम को लेकर किस तरह से असुरक्षित महसूस कर रही है। आज देश में लोग बात करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के विकल्प में हो सकते हैं। लोग बात करने लगे हैं कि मोदी जी के अलावा देश में कौन व्यक्ति है जो देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकता है, देश के लोगों के लिए काम कर सकता है। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। जनता भी देख रही है इस राजनीति को कि किस तरह से मोदी जी, जिसको देश की जनता ने इतना सम्मान दिया, आज वो नेगेटिव राजनीति पे उतर आए हैं और केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल भी जवाब मिलेगा और साथ साथ में बाकी जो भी ऑप्शंस हैं सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अपने लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। मनीष जी, जो जुलाई 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जिसकी चर्चा आप कई बार कर भी चुके हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो क्या आप दोबारा एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जाने का विकल्प खुला रखे हुए, क्या विकल्प आपके सामने? इसीलिए मैंने उनको बताया कि लीगल एक्सपर्ट से हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। ये तो इनका इंटेंट साफ है ना, ये स्कूल रोकना चाहते हैं, ये अस्पताल रोकना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक रोकना चाहते हैं। कोई स्पेसिफिक स्कीम इनका टारगेट नहीं है। इनका टारगेट ये है कि केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता, उसने इनको डरा दिया है कि अगर केजरीवाल जी काम इसी तरह से करते रहे तो इसी तरह से काम कर करके एक दिन पूरे देश में ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि केजरीवाल जी के अलावा काम नहीं कर रहा है कोई, और इसी बात से घबराए हुए हैं। इसीलिए ये बिल लेके आए कि इनको काम करने से रोको। बताएंगे, दैट्स व्हाई आई सेड कि लीगल एक्सपर्ट हम क्या एक उस पेज में फिर से जा रहे हैं जो 2015 से 18 का पेज था, जिसमें कई सारे आपने बिल पास किए थे विधानसभा में, उसको मंजूरी नहीं दी थी केंद्र ने, क्या उसी पेज में हम दोबारा जा रहे हैं? देखो, मैं दिल्ली वालों को केजरीवाल जी भी अश्योर कर चुके हैं और यहाँ फिर कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी कहा भी कि केजरीवाल जी फाइटर हैं। पिछले 6 साल में जितनी इन्होंने कोशिश की, इनकी तमाम कोशिशों के बाद भी उन्होंने वो सारे काम करके दिखाए जो मैनिफेस्टो में लिखे थे, जो जनता से वादे किए थे,